आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी पहचान, उसके विभिन्न रूल और विभिन्न प्रकार के वाक्यों को बनाना सीखेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रेजेंट वर्तमान समय में कंटीन्यूअस जारी हो। इस वाक्यों से पहचान है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि शब्द रहते हैं। जैसे खेल रहा है, पढ़ रहा है, जा रहा है, लिख रहा है। इसके हिंदी वाक्यों से यह बोध होता है कि कोई कार्य वर्तमान समय में अभी जारी है। जब स्पीकर बोल रहा है, बात हो रही है, उस समय में वह काम जारी है, हो रहा है। जैसे मैं खेल रहा हूँ या खेलने का काम अभी हो रहा है, पढ़ रहा हूँ भी पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ये अभी वर्तमान समय अभी जारी है। इस तरह के वाक्यों को हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अनुवाद करते हैं। रूल नंबर वन, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। तीन हेल्पिंग वर्ब है। अब नीचे के रूल नंबर 2, 3, 4 में ये बताया गया है कि किसके साथ एम और किस सब्जेक्ट के साथ इज और किस सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग कब कब करना है। रूल नंबर 2 में है, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 3, वी, यू, दे, बॉयज और बुक्स के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। वी, यू, दे फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, और बॉयज और बुक मतलब नाउन जो प्लूरल वर्ड प्लूरल हो, मतलब एक से अधिक संख्या बताने वाले नाउन्स हो, उनके बाद आर का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि ही, सी, इट, नेम और बॉय बुक यानी कि सिंगुलर नाउन्स के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 5 में वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी जोड़ करके वर्ब को प्रयोग किया जाता है। आइए अब इस कुछ एग्जांपल में देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें सकारात्मक वाक्य, जिसमें स्वीकार किया गया हो कि हाँ काम हो रहा है इस वक्त। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, वाक्य के अंत में है, काम अभी हो रहा है इस वक्त। तो आई, इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स देखेंगे। मैं का अंग्रेजी क्या होगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम। आई एम, रीड में आईएनजी लगा हुआ है, रीडिंग इंग्लिश, आई एम रीडिंग इंग्लिश। हम लोग वहाँ जा रहे हैं, हम लोग का अंग्रेजी क्या होगा, वी। वी के साथ क्या लगता है, रूल नंबर 3 में दिया हुआ है, वी के साथ आर, वी आर गोइंग देयर। आप मेरी मदद कर रहे हैं, यू के साथ आर। वह गाना गा रही है, सी के साथ क्या लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज लगता है, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग।
वे लोग यहाँ आ रहे हैं। वे लोग का अंग्रेजी दे के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब आर। दे आर कमिंग हेयर। राम पत्र लिख रहा है। राम इज राइटिंग ए लेटर। राम नाम है, नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राम के साथ इज लगेगा। ही सी इट नेम कोई भी नाम हो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य है, मतलब जिसमें नहीं लगा हो हिंदी वाक्य में और इंग्लिश में, हिंदी में नहीं लगा हो और इंग्लिश में नॉट लगा हुआ हो। स्ट्रक्चर देखेंगे इसका क्या है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक होगा यूज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब आई एन जी प्लस सब्जेक्ट। मैं गोरखपुर नहीं जा रहा हूँ, तो आई के साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब एम। आई एम नॉट गोइंग टू गोरखपुर। हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, नहीं लगा हुआ है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। हम लोग का अंग्रेजी होता है वी के साथ क्या लगता है आर। वी आर नॉट गोइंग देयर। आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट हेल्पिंग मी। वह गाना नहीं गा रही है। सी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। वे लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं। दे आर नॉट कमिंग हेयर। राम पत्र नहीं लिख रहा है। राम इज नॉट राइटिंग ए लेटर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए। इंट्रोगेटिव मतलब ही होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब यह प्रथम प्रकार का वाक्य जो हिंदी वाक्य, वे हिंदी वाक्य जिसकी प्रारंभ क्या क्या से हुआ हो, क्या कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, क्या हम लोग वहाँ जा रहे हैं, क्या आप मेरी मदद कर रहे हैं, मतलब ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसका हिंदी वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ हो और इंग्लिश वाक्य जो है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है। क्या के लिए इसमें अलग से कोई वर्ड नहीं लगाया जाता है, सिर्फ क्या किया जाता है हेल्पिंग वर्ब जो है उसका सब्जेक्ट से पहले प्रयोग किया जाता है। इसमें सब्जेक्ट आई है। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो एम को पहले कर दिया गया, एम आई रीडिंग इंग्लिश, आई के साथ ही एम का प्रयोग होता है, रूल नंबर 2 में बताया गया है। क्या हम लोग वहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग का इंग्लिश वी सब्जेक्ट है और इसके पहले आर का प्रयोग कर दिया गया है, तो हेल्पिंग वर्ब आर। आर वी गोइंग देयर। क्या आप मेरी मदद कर रहे हैं। आर यू हेल्पिंग मी, यू के पहले आर का प्रयोग किया गया। क्या वह गाना गा रही है, तो वह एक लड़की है, सी लगा सब्जेक्ट है और इसके सी के साथ हेल्पिंग वर्ब होता है इज होता है, उसको इज सी के पहले लगाया गया है, तो ये इस चीज़ का अर्थ हो गया क्या। इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, अंत में क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा। क्या वे लोग यहाँ आ रहे हैं। आर दे कमिंग हेयर। क्या राम पत्र लिख रहा है। इज राम राइटिंग ए लेटर। तो यहाँ पे देखेंगे राम सब्जेक्ट है और कोई भी नाम हो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाता है, और जब इज को वाक्य के प्रारंभ में कर दिया गया यानी कि सब्जेक्ट से पहले कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये हो गया क्या। इज राम राइटिंग ए लेटर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ए, मतलब ऐसे वाक्य
जो क्या से प्रारंभ होते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य तो प्रथम प्रकार के होते ही, और उसमें इसके साथ साथ नहीं भी लगा हुआ होता है, मतलब नेगेटिव भी हो और प्रश्न भी पूछा जा रहा हो, क्या क्या लगा कर प्रश्न भी पूछा गया है और हिंदी वाक्य में नहीं भी लगा हुआ है। इंग्लिश ट्रांसलेशन ठीक उसी तरह से होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इज एम आर जिसका प्रयोग किया गया हो, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद इसमें एक नॉट लगा हुआ होता है, इसलिए क्योंकि हिंदी वाक्य में नहीं है उसका, इंग्लिश नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इस वाक्यों का स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ पहला वाक्य, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, तो से सारा परिवर्तन उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए के इसके जस्ट पहले स्लाइड में हम लोग जो देखे थे, बस सिर्फ नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाया जाएगा। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, एम आई नॉट रीडिंग इंग्लिश, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट लगा दिया गया। क्या हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, आर वी नॉट गोइंग देयर, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया गया। क्या आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, तो आर यू नॉट हेल्पिंग मी, यू के बाद नॉट लगा दिया गया, इसमें सब्जेक्ट यू है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी, प्रश्न पूछने का यह दूसरा प्रकार के वाक्य है, प्रश्न पूछा जाता है इन वाक्यों में, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य जो शब्द होते हैं इन वाक्यों में वह रहते हैं हिंदी वाक्य के बीच में कहीं पे, जैसे कहाँ इसमें है, वहाँ, क्यों, तीसरे वाक्य में क्यों, तो ये सारे प्रश्नवाचक शब्द जो है वो वाक्य के बीच में रहते हैं, इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, मतलब प्रश्न पूछने का दूसरा प्रकार, ये दूसरे प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य है। और इंग्लिश जब ट्रांसलेट किया जाता है तो इसमें ये जो शब्द हैं कहाँ, वहाँ, क्यों, इन्हीं शब्दों से प्रारंभ होता है, जैसे कहाँ का इंग्लिश वेयर, वेयर से शुरू कर रहे हैं, और शेष प्रकार और जो शेष जो वाक्य है वह बिल्कुल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए के तरह ही होता है। जैसे यहाँ देखेंगे ये क्वेश्चन वर्ड्स लगा हुआ है, उसके बाद ये सारा वाक्य जो है स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए की तरह ही है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ए प्रकार का ही वाक्य है। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, बस इंट्रोगेटिव ए के वाक्य के पहले क्वेश्चन वर्ड जब लगा दिया जाता है, जब क्वेश्चन वर्ड लगा दिए जाते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी बन जाता है। यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल, मैं अंग्रेजी कहाँ पढ़ रहा हूँ, तो सिर्फ कहाँ का अंग्रेजी क्या होगा, वेयर, उसके बाद वेयर एम आई रीडिंग इंग्लिश, हम लोग वहाँ कब जा रहे हैं, यहाँ पे कब प्रश्नवाचक शब्द है, वहाँ नहीं कब, हम लोग वहाँ कब जा रहे हैं, प्रश्नवाचक शब्द इसमें कब है, कहाँ नहीं, हम लोग वहाँ कब जा रहे हैं, कब का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वैन, वैन आर वी गोइंग देयर, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं, वाई आर यू हेल्पिंग मी, यहाँ क्यों का इंग्लिश वाई हो गया, और उसके बाद स्ट्रक्चर में देखेंगे हेल्पिंग वर्ब रहेगा, इज एम आर में से यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, उसके बाद वर्ब में सब्जेक्ट है यू, उसके बाद वर्ब में आई एन जी, हेल्प में आई एन जी लगा हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी, तो वाई आर यू हेल्पिंग मी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है और इसमें नेगेटिव ही पूछा गया है, प्रश्न पूछने के साथ साथ नहीं भी लगा हुआ है, इंग्लिश वाक्य में नॉट लगेगा और हिंदी वाक्य में नहीं रहेगा। मैं अंग्रेजी कहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ, तो वेयर एम आई नॉट,
सिर्फ नॉट लगाया गया है रीडिंग इंग्लिश। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी के वाक्यों में जब नहीं लगा नॉट लगा दिया जाता है इंग्लिश वाक्य में तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बी बन जाता है। हम लोग वहाँ कब नहीं जा रहे हैं, इसमें प्रश्नवाचक शब्द कब है, कब का अंग्रेजी वैन। वैन आर वी नॉट गोइंग देयर, आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, तो क्यों का अंग्रेजी वाई। आर यू नॉट हेल्पिंग मी, वाई आर यू नॉट हेल्पिंग मी। इंट्रोगेटिव सी प्रश्न पूछने का यह तीसरा प्रकार है। इसमें भी प्रश्न पूछा तो जाता है लेकिन जो प्रश्नवाचक जो शब्द है वह खुद ही इस वाक्यों में इस प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बाजार कौन जा रहा है, तो यहाँ हु ही सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह होता है। सब्जेक्ट इज ए मार मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब आई जी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। बाजार कौन जा रहा है, कौन का इंग्लिश हु, हु को थर्ड पर्सन सिंगुलर माना जाता है, हु के साथ लगेगा। इज हु इज गोइंग टू मार्केट। अंग्रेजी कौन पढ़ रहा है, कौन का अंग्रेजी हु थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हु के साथ लगेगा। इज हु इज रीडिंग इंग्लिश। तुम्हें कौन बुला रहा है, हु इज कॉलिंग यू। जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सी यानी कि प्रश्न पूछने का यह तीसरा प्रकार का जब नहीं नॉट और हिंदी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस सी प्रश्न पूछा जा रहा है प्रश्नवाचक शब्द लगा हुआ हो ले प्रश्नवाचक शब्द ही खुद ही सब्जेक्ट का काम करता है और उसमें हिंदी में नॉट भी लगा हुआ रहता है नहीं भी लगा रहता है। जैसे बाजार कौन नहीं जा रहा है, हु इज नॉट गोइंग टू मार्केट। अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ रहा है, हु इज नॉट रीडिंग इंग्लिश। तुम्हें कौन नहीं बुला रहा है, हु इज नॉट कॉलिंग यू। हु इज नॉट कॉलिंग यू, तुम्हें कौन नहीं बुला रहा है। इस तरह से आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पहचानना और उसके विभिन्न प्रकार के वाक्यों को बनाना उसके स्ट्रक्चर के साथ उसके रूल को आप समझें। इन वाक्यों को आप नोटबुक में नोट कीजिए और रूल्स को याद कीजिए और विभिन्न प्रकार के वाक्यों को खुद से बनाने का प्रैक्टिस कीजिए।